आदाब नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। मंगलवार को जिले में हुए बवाल के बाद आज नगर में पहुंचे आईजी मेरठ जोन अजय आनंद। दंगाइयों के खिलाफ व्यापारियों ने की रासुका लगाने की मांग। जिले भर में मनाई जा रही है शब ए बारात। जनमंच सभागार में आयोजित की गई शिक्षक गोष्ठी। विकास भवन में जिला अधिकारी ने ली राशन डीलरों की बैठक। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बांटे मिट्टी के बर्तन। अग्रवाल धर्मशाला से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रीय लोकदल ने मांगों को लेकर सौंपा जिला अधिकारी को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए बवाल को लेकर आज आईजी मेरठ जोन अजय आनंद नगर सहारनपुर में पहुंचे, जहां पर उनसे बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और निर्दोष लोगों पर हो रही कार्रवाई की बात की, जिसमें कड़े तेवर दिखाते हुए आईजी अजय आनंद ने कहा है कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर रासुका लगाकर उनको जेल में डाला जाएगा। एक एनओसी नहीं मिलेगा और अपने चंद फायदों के लिए पूरे 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 समाज को लोग भका देते हैं कि चलो चलो पत्थर फेंको, पुलिस वाले आ रहे हैं पत्थर फेंको। नहीं, समाधान देखिए, आप इसका समाधान है कि निर्दोष व्यक्ति अगर चले भी होंगे हम 69 में रिहा करेंगे। पहला चीज़ आज के बाद नहीं, परसों के बाद भी जो कार्रवाई होगी बिल्कुल चिन्हित होगी, ठोक बजा के होगी, लेकिन भेजेंगे जरूर। तीसरे 20 दिन में तीसरी घटना है, प्रेस वाले हैं, चौथी घटना होगी तो मैं 3-4 चुल्ली वाला पानी रख दिया हूँगा। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े व्यापारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा। उन्होंने जिला अधिकारी से कहा है कि जिस तरह कुछ दंगई शहर का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं उन पर रासुका लगाकर उनको जेल में डाला जाए। जिले भर में आज मनाई जा रही है शब्बे बारात यानी इबादत की रात। इस रात मुस्लिम समाज के लोग कुरान शरीफ पढ़कर, नमाज पढ़कर वे अपने परिजनों की कब्र पर फातिहा पढ़कर इबादत करते हैं। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के सरबराह कारी साहब गोरा ने कहा है कि इबादत या तकरीर की खातिर मस्जिद आदि में जमा होना खिलाफत सुन्नत है। उन्होंने कहा है कि रात में घूमना फिरना, कब्रिस्तान के आस पास मेले जैसा माहौल बनाना शरीयत के खिलाफ है। शबे बारात इबादत की रात है। इस रात में नफली नमाजें, तस्बीह, दुरूद का अहतमाम करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि इस तरह की नमाजें पढ़ी जाती हैं शबे बारात में, इस तरह की इबादत करनी चाहिए, ऐसा कहीं से कोई साबित नहीं है। सभी लोग इबादत करें, नफली नमाजें पढ़ें, नफली इबादतें करें, यही हमारा पैगाम है। जनमंच सभागार में परिषदीय विद्यालयों में एक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्घाटन जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन के बाद जिला अधिकारी द्वारा विस्तार शिक्षकों को जानकारी दी गई। इसके तमाम में अगर प्रयास को देखने की कोशिश है अगर हम माने का उदाहरण देखें तो समुद्र के किनारे तैयार होना बच्चा बने वाटर लॉक एरिया को नीदरलैंड आरती होता है। विकास भवन के सभागार में सहारनपुर उचित दर के विक्रेताओं की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने राशन डीलरों से कहा है कि सही समय पर गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जाए और गरीबों का राशन गरीबों के अलावा किसी के पेट में नहीं जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी तो रहती है कि आपको वोटिंग मोस्ट करप्शनल धनराशि मांगना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पेपर मिल रोड पर एक जागरूक रैली निकालकर
लोगों से आह्वान किया है कि वो अपनी अपनी छतों पर मिट्टी के बर्तनों में पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें। तेज गर्मी के कारण पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। थमा दो भैया, दे दो किसी को। भूतेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाली कथा से पूर्व आज अग्रवाल धर्मशाला से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का आरंभ विधि विधान से पूजन कर किया गया। शोभा यात्रा के दौरान श्री जाग्यो ने सबका मन मोह लिया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह परसों बवाल में पत्रकारों के वाहन फूके गए हैं, उनको मुआवजा दिलाया जाए। जो हमारे पत्रकार साथियों के साथ बदतमीजी हुई है, उसकी मांग को लेकर के थोड़ा सा नीचे, थोड़ा पत्रकारों को मुआवजा दिलाया जाए, उनके जान माल की हिफाजत की जाए। जनपद में जो कानून व्यवस्था खराब है। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा आज रोटरी भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। उसने अपना जो पांव जमाया था, वह अपने मालिक के बल पर जमाया था, वह भगवान के नाम के बल पर जमाया था। तो जिस दिन की शक्ति को लेकर के अधिकारियों के ऑफिस में अपना पांव जमा देगा, तो या तो अधिकारी को राम लंडोरा के एक स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार को लेकर आज जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षक द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या